और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। बता दें कि रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। बता दें कि राजधानी रायपुर पहुंचे मंत्री प्रहलाद पटेल ने उदयपुर और सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी पर बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, चले आपको सुनाते हैं। आज मैं एक अच्छे कार्यक्रम में आया हूँ। श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी का आज दीक्षांत समारोह, मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि हर अनुकूल और विपरीत परिस्थितियों में हमारी नई पीढ़ी को जब ज्ञान की ताकत मिलती है तो वही रास्ता खोजते हैं। चुनौतियाँ मानव जीवन का हिस्सा है, मैं उसके अच्छे और बुरे में नहीं देखता। मैं देखता हूँ कि अगर हमारे पास क्षमताएँ हैं तो हम उसका समाधान खुद के लिए भी उपलब्ध कराएंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए कराएंगे। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उस बात को लेकर जो सावधानी बरत रहा है या निगरानी कर रहा है या अपने ऑब्जर्वेशन में उसने लिया है, शब्द सही है, उसके बाद अभी किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और देश में शांति रहे, ये सरकार और समाज दोनों चाहते हैं। हमारी सांस्कृतिक परंपरा भी शांति की समर्थक है, इसलिए कानून के दायरे में हम सबको विचार करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि हमारी जो संविधान की मूल भावना है और सांस्कृतिक हमारी जो मर्यादाएं हैं उनको बड़ी चोट पहुँची है। उच्चतम न्यायालय के बाद तो टिप्पणी करना नहीं चाहिए। सर, महाराष्ट्र में आप लोग लग रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी घटित हुआ है उसकी कोशिश यही रहती है कि जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की सरकार या समाजवादी सरकार है वहाँ पे सरकार को डैमेज किया जाए। वहाँ कांग्रेस और जनादेश नहीं था, वो अटकाने का काम करते, लेकिन कांग्रेस खुद अपने बोझ के कारण दब रही है, उसको कोई दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है।